नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल पर आधारित अलग अलग टॉपिक वाइज हम प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहला वीडियो भूगोल का सामान्य अर्थ विषय, उस पर आधारित पहला वीडियो देखा था। नहीं देखा हो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि है सौर मंडल। सौर मंडल में टोटल प्रश्नों की संख्या है 200, जिसमें हम प्रत्येक पार्ट में 25 प्रश्न जो है वो देखेंगे। आज पहला पार्ट देखेंगे 25 प्रश्न का। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, बेहद ही महत्वपूर्ण कि सौर प्रणाली की खोज जो है वो किसने की थी? बताइए, गैलीलियो ने की थी, जे एल बेयर्ड ने की थी, कॉपरनिकस ने की थी, केपलर ने। प्रश्नों को याद भी करते चलिएगा। देखिए, संविधान दोपहर के 3 बजे वाले समय में काफी समय से चल रहा है। प्रश्नों को याद करते चलेंगे तो आगे कोई भी एग्जाम आप देंगे तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। तो बताइए कि सौर प्रणाली की खोज जो है वो किसने जो है वो की थी? तो आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन चारों में से कॉपरनिकस आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने जो है वो की थी। और सौर प्रणाली को आप कह सकते हैं कि ये सूर्य और उन सभी पदार्थों को संगठित करता है जो इसका चक्कर चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से लगाते हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से लगाते हो। बाकी इसमें ही आपका धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ग्रह है, बौने ग्रह, छोटे सौर प्रणाली, मतलब ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? बताइए, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो सूर्य है उसके चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों पूछा गया है। बात करते हैं आंसर की चार ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे? उन्हें हम ग्रह के नाम से जानते हैं, जैसे कि सूर्य है उसी के चारों ओर। तो इस प्रकार से हमारे सभी जो ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, वो भी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी अगर ग्रह के चारों, अभी देखिए सूर्य के चारों ओर पूछा गया था, तो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, और जो ग्रह होते हैं उनके भी तो चारों ओर कोई चक्कर लगाता है। वही पूछा गया कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या सौर तारा कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? बिल्कुल आंसर की बात करते हैं, तो आपका उपग्रह बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि अगर पृथ्वी के उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा है जो कि पृथ्वी यानी कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। और सभी ग्रह के आप देखेंगे उपग्रह पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बृहस्पति का उपग्रह जो है वो गैनीमीड होता है। तो इसी प्रकार और भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। बाकी जो गैनीमीड मैंने बताया ये भी पूछ लिया था, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो गैलीलियो गैलीली थे। चौथा प्रश्न देखते हैं कि ग्रहों की गति का नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? न्यूटन थे, केपलर थे, कॉपरनिकस थे, गैलीलियो थे। पहला जो सबसे प्रश्न था वो सौर प्रणाली की खोज है, यहां पर पूछा गया है ग्रहों की गति का नियम। प्रश्न का डिफरेंस जो है उसको समझते हुए चलिएगा, वरना कई बार क्या होता है, पढ़ा आपने कुछ और होता है, पूछा कुछ और गया होता है, आप इधर का उधर कर देते हैं। आंसर की बात करते हैं, ग्रहों की गति का नियम जो है वो केपलर ने जो है वो दिया था। आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। और चाहे तो छोटी सी ट्रिक से जोड़ सकते हैं कि अगर आपको ग्रहों की गति जो है आपको पता लगाना है कि इनकी कितनी स्पीड होती है, उसका जो नियम है वो आप कैप पहनकर ही जो है, केपलर में देखिए कैप आ रहा है वर्ड, कैप पहनकर ही पता लगा सकते हैं, इस टाइप से थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बताइए 8, 9, 10 या 11, कौन सा सही होगा? पहले एक ग्रह था जिसको हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 2006 में हटाया गया था, बताना है। उसके बाद अब वर्तमान में सौर मंडल में कुल कितने जो है वो ग्रह हैं? तो चलिए बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में। तो 8 ग्रह आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। आप क्या कहेंगे? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले ये संख्या जो है वो 9 हुआ करती थी। 2006 में एक्चुअल में एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो, नाम सभी ने सुना होगा प्लूटो का, इसको जो है वो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। ए या शॉर्ट में आप याद रखिए तो IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसकी चेक गणराज्य की राजधानी प्रैग थी, जिसमें एक मीटिंग हुई थी जहां पर ऑफिशियल रूप से सौर मंडल के ग्रह प्लूटो को 9वें स्थान से जो है वो हटा दिया गया था।
प्लूटो को और क्या नाम से जानते हैं? तो बौना ग्रह के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। प्लूटो को ही यम के नाम से भी जाना जाता है, यम या प्लूटो। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है? तो एरिस है। कौन सा है? एरिस। और दूसरा नंबर पर आपका जो है वो प्लूटो आता है। सबसे बड़ा एरिस और दूसरे नंबर का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह आपका प्लूटो या यम। अगला देखते हैं आपका छठा प्रश्न। प्रश्न आपका है कि सूर्य से बढ़ती दूरी जो है उसके अनुसार ग्रहों का इनमें से कौन सा क्रम जो है वो सही है। इस चीज को ध्यान दीजिए, सूर्य से बढ़ती हुई लिखा है, जैसे यहां पर आपका सूरज है, उसके बाद आपको क्रम जो है वो बताना है, इस टाइप से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। मैंने सूर्य को इसलिए कहा क्योंकि अगला ही प्रश्न देखिए, वहां पर पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर पूछा गया है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, पृथ्वी प्रश्न में पूछा गया है या सूर्य। आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर शनि, अरुण वरुण, इस टाइप से चलता है। तो देखिए पहले ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बस यही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला प्रश्न देखिए कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आपसे पूछा गया है। अब ऊपर वाले में मैंने बताया ना कि पृथ्वी है, उसके बाद जस्ट मंगल आ रहा है। अब देखिए यहां पर मंगल ए वाले ऑप्शन में है और उसके बाद शुक्र दे दिया गया, तो ये कट जाएगा। सेम चीज यहाँ भी है तो ए और डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, इन दोनों ऑप्शन में आपको बताना है। और यहाँ पर क्रम नहीं दे रखा है, देखिए बी और सी ऑप्शन में आगे पीछे करके दे रखा है, जैसे कि अगर सारी चीजों को रफ करते हैं फिर हम आपको बताते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए जैसे कि अगर यहाँ पर हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के जस्ट बाद आपका आता है मंगल और मंगल से पहले आता है आपका शुक्र और शुक्र से और पहले आता है बुध और प्रश्न में बृहस्पति तक है, तो मंगल के बाद आता है आपका बृहस्पति, तो इतने से आपका हो जाएगा। अब देखिए बी ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है शुक्र, मंगल, तो सबसे पहले पृथ्वी के नजदीक कौन सा? शुक्र है, ठीक है, उसके बाद मंगल है, तो ये भी नजदीक ही है, सबसे पृथ्वी के नजदीक आपको देखना है, ना कि सीरियल देखना है। बुध उसके बाद, तो इसे जस्ट थोड़ा सा दूर है, और बृहस्पति ये इधर साइड। अब बुध और बृहस्पति वैसे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ चले गए, अगर वैसे देखें तो वो दूरी के हिसाब से जाया जाता है। अब यहाँ सी वाले ऑप्शन में चेक करिए, क्योंकि ए वाला ऑप्शन और डी वाला मैंने पहले ही काट दिया था। सी वाले ऑप्शन में देखिए सबसे पहले शुक्र आ गया है, तो पृथ्वी के नजदीक है, ठीक है, उसके बाद बुध आया है जो कि पृथ्वी से दूर है जबकि मंगल पास है, तो आप सी वाले ऑप्शन को भी काट देंगे, बी वाला आंसर ही आपका सही होगा, यानी कि शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये आपका सही हो जाएगा। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप पहुंच गए, आप चाहें इनकी कितना किसके बीच डिस्टेंस है उतना घटना पड़ेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, आप लिख लीजिए उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब अगला प्रश्न आकार के अनुसार पूछा गया है सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही हमेशा क्या होता है? बड़े से छोटे के क्रम में आपको बताना है, सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, सभी जानते हैं, तो बस ये सबसे पहले आएगा। शनि भी देखिए सब में सबसे पहले है। अब अरुण और वरुण में आपको छांटना है क्योंकि आगे से फिर बदल गए, तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही क्रम होगा आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और लास्ट में बुध, ये क्रम जो है आपका होता है, तो ये ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, बहुत से सभी टाइप के प्रश्न हम कराएंगे क्योंकि 200 प्रश्न बहुत होते हैं, सभी टाइप के प्रश्न उसमें आ जाएंगे। नवा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग जो है वो नहीं है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ भी अवश्य जाइएगा। तो ए ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, बी ऑप्शन है धूमकेतु, सी ऑप्शन है ग्रह और डी ऑप्शन है निहारिका। बताना आपको यह है कि इनमें से कौन सौर मंडल का भाग ही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, कौन सौर मंडल का भाग नहीं। तो क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं, ग्रह तो होते ही होते हैं, इनको तो आप हटा ही नहीं सकते। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, निहारिका, जो कि सौर मंडल का भाग जो है आपका नहीं है। इंग्लिश में
निहारिका को हम नेबुला कहते हैं, NEBULA, सौरमंडल का भाग न कह करके आप ये कह सकते हैं कि आकाशगंगा से परे की कोई भी गैलेक्सी है उसको निहारिका कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, 10वां नंबर, तारामंडल क्या है बताइए। पृथ्वी से कम दूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति है, या फिर ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, या फिर हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति, या फिर अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों, उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तारामंडल क्या है, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो कि पृथ्वी से समदूरस्थ जो है वो नहीं हो सकते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, 87, 88, 89 या 90, बताइए। तो वर्तमान समय में तारामंडल की संख्या बात करें, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन 89 जो है वो सही होगा। प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो हाइड्रा है। इस तारामंडल में कुल तारों की संख्या कितनी है, तो 64 जो है वो तारे हैं जिन्हें आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। और तारामंडल होता क्या है, तो आकाश में जो तारों का समूह होता है ना उसको हम कहते हैं तारामंडल, जो कि पृथ्वी से अगर आप देखते हैं ना तो एक समूह के रूप में दिखाई देते हैं। पर हमारे भारत में कह लीजिए या पूरे विश्व में कह लीजिए बहुत सी अलग अलग सभ्यताएं हुई, तो इन तारामंडलों को भी उन्होंने अलग अलग बहुत से नाम भी दिए थे, जिनमें से एक तारामंडल था जिसको सबसे विशाल माना जाता है, इस हाइड्रा से भी ज्यादा, जिसका नाम है सेंटारस। नाम मैं यहां लिख देता हूं, सेंटारस, जिसमें 94 जो है वो तारे आते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 12वां, कि निक्स ओलंपिया जो पर्वत है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर जो है वो स्थित है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन मंगल ग्रह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगल ग्रह पर एक बड़ा ज्वालामुखी पहाड़ है आपका निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत, और इसकी खास विशेषता सबसे ज्यादा है कि ये पूरे सौरमंडल का जो है आपका सबसे ऊंचा पर्वत है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया है, जो कि जो माउंट एवरेस्ट है ना उससे 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वो कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है, बताइए कौन सा सही होगा। पार्थिव ग्रह जो है इनको एक और नाम दिया गया है और वो नाम होता है आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक और बाह्य ग्रह काफी लोगों ने सुना होगा, पार्थिव हो सकता हो ना सुना हो, तो बताइए कि आंतरिक ग्रह जो है वो इनमें से कौन सा है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में, तो स्टार्टिंग के जो चार होते हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पर प्रश्न में नहीं पूछा गया है कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। स्टार्टिंग के जो चार होते हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वो आपके आंतरिक ग्रह में आते हैं और बाकी बचे बाह्य ग्रह में आते हैं, और आंतरिक को ही पार्थिव ग्रह कहते हैं, यानी बुध भी आपका पार्थिव ग्रह है, शुक्र भी है, मंगल नहीं है, शनि भी नहीं, मंगल भी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो सी वाला भी है, पर डी वाला जो है वो नहीं है, यानी कि आंसर आपका शनि ग्रह जो है वो आपका हो जाएगा, जो कि आपका पार्थिव ग्रह नहीं है। 15वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है अगला, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो आपको मैंने बताया ना, इस टोटल ग्रहों की संख्या 8 होती है, इन सभी को चीजों को रब कर देते हैं, आंसर इसका शनि ग्रह। देखिए टोटल संख्या 8 होती है, जिसमें स्टार्टिंग के जो 4 होते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह, लास्ट के जो 4 होते हैं उन्हें हम कहते हैं बृहस्पति सदृश ग्रह या बाह्य ग्रह। तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित कौन नहीं है। अब बताइए, मैंने सारी चीज आपको बता दी, अब आपको छांटना है शनि, अरुण, वरुण या मंगल में से कौन सा सही होगा। प्रश्न में यहां भी नहीं ही पूछा गया है, तो चलिए बात करते हैं आंसर की, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, मंगल आपका नहीं है, क्योंकि मंगल आपका आंतरिक ग्रह जो है उनमें आता है, स्टार्टिंग के 4 में आता है, जबकि शनि, अरुण, वरुण
ये आपके जो है वो लास्ट में आते हैं, यानी कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? मंगल ग्रह जो है वो नहीं है। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर बाकी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ये भी आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए। बुध और शुक्र, या फिर पृथ्वी और शुक्र, या फिर अरुण और वरुण, या फिर शुक्र और अरुण। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका शुक्र और अरुण जो है ये सही हो जाएगा। इन दो ग्रहों को छोड़कर, किसको? शुक्र और अरुण, इन दो ग्रहों को छोड़कर बाकी जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, जबकि ये दक्षिणावर्त घूमते हैं, इनके जस्ट अपोजिट। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, शुक्र और अरुण इन दो ग्रहों को। और ये भी समझिए, जो वामावर्त है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं इंग्लिश में। कई लोगों ने वामावर्त सुना ही नहीं होगा, होता है ना क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है उसी दिशा में घूमना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जस्ट अपोजिट घूमना। अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। सौर मंडल का जन्मदाता किसे जो है वो कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को, बताइए। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मेन इसमें सबसे क्या है, आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन सूर्य ही जो है वो सही होगा, सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त हो रही सारी चीजें, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, या फिर अभिनव तारा, बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है वो कहलाता है, धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, या फिर अभिनव तारा। आंसर की बात करते हैं तो अभिनव तारा को ही हम विस्फोटी तारा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां, कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? न्यूटन थे, डाल्टन थे, कॉपरनिकस थे, या आइंस्टीन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। किसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या फिर घूमती है, किसने ये बताया था? तो स्टार्टिंग में सबसे पहला एक प्रश्न हमने कराया अभी था, जो कि प्रश्न था आपका सौर प्रणाली के संदर्भ में, बस जो आंसर वहां था वो यही होगा, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, आपका कॉपरनिकस जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉपरनिकस ने ये बताया था। अगला 21 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि, इनमें से आपको जो है वो बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रह जो है वो नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह जो है वो मानते थे। आसान सा प्रश्न है, सूर्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य जो है वो आपका ग्रह तो है नहीं, तो पहले से लोग ग्रह मान के पूछते थे। 22 नंबर प्रश्न आपका है कि सूर्य के संगठन में सहायक जो गैसें हैं वो कौन सी हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम और ऑक्सीजन है, हीलियम और नाइट्रोजन है, या फिर हाइड्रोजन और हीलियम है? ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बताइए कि सूर्य के संगठन में कौन सी सहायक गैसें जो है वो होती। आंसर की बात करते हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पूछा काफी जाता है कौन सी गैसेस होती हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो होती हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के जो मध्य भाग है उसको क्या कहा जाता है? संताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, स्थल मंडल, बताइए। जो सूर्य का मध्य वाला भाग होता है ना, जैसे पूरा सूर्य है तो उसके जो सेंटर वाला भाग होता है ना उसको क्या कहा जाता है? संताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, या स्थल मंडल? चलिए बात करते हैं आंसर की, चार ऑप्शन में, तो उसे हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि टोटल 25 प्रश्न हम देखेंगे और ये हमारा इस वीडियो का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, उसके बाद 25 के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 24 नंबर प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ऊपर के भाग को पूछा गया अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, या समताप मंडल। ऊपर वाले प्रश्न में पूछा गया था सूर्य के मध्य भाग को, यहाँ पर पूछा गया ऊपर के भाग को। अंतर को समझिए, दोनों को याद रखना है आपको।
और 25 प्रश्न है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर एक बार आप देख चुके हैं, एक बार में नहीं याद होते हैं, दोबारा देखिए, चीजों को याद करते हुए चलिए, केवल प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। आज याद होगा, 4 दिन बाद याद नहीं होगा, फायदा कोई होगा नहीं देखने का, तो याद भी अवश्य करते चलिएगा। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की, तो आपका वर्णमंडल जो है वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बात करें सूर्य जो है उसके ऊपरी भाग को, तो उसे हम कहते हैं वर्णमंडल के नाम से। जब बात करें सेंटर वाले भाग को, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल के नाम से। इस चीज को भी समझना कि पूरा सूरज है, उसका जो सेंटर वाला भाग होता है, जहां से एकदम एनर्जी हीट जो है वो उठ रही है, तो वो सबसे ज्यादा प्रकाशमान होगा। तो इस टाइप से थोड़ा जोड़ेंगे तो बीच वाला तो प्रकाश मंडल आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस कराते रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबसे ना जुड़े हो तो अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जुड़ सकते हैं। 25 प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, इसका क्या रीजन होता है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, दूसरा है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, सी ऑप्शन है ये पूर्व में स्थित है, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बताइए कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, क्या इसका रीजन होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या? कि पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यही रीजन होता है कि सूर्य सदैव पूर्व में जो है निकलता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? ए ऑप्शन है 71%, बी ऑप्शन है 61%, सी ऑप्शन है 75% और डी ऑप्शन है 54%। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार संविधान पर आधारित भी हम प्रश्न आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसका आंसर हम इसके आगे के जो प्रश्न कराएंगे उसमें जो है बताएंगे। आज के में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।